कहानियों की दुनिया के दोस्तों, मैं किमंतु आपका स्वागत करता हूं आनंद ऋतु की आज की खास पेशकश में, जिसका नाम है तिलिस्मी कहानियां। आज की इस कहानियों के तिलिस्म से हम सुनने जा रहे हैं सुनहरी कहानी खोल दो। रचनाकार सादत हसन मंटो। कहानी को आवाज दी है सिराजुद्दीन, श्री कृष्णकांत परोलेकर, सकीना विदुला परोलेकर, डॉक्टर श्री अखिल देसाई। आज की इस सुनहरी कहानी के तिलिस्म के प्रायोजक है श्री जनार्दन पवार, इंदिरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पुणे। आपने ये कहानी आपके प्रिय दोस्त सचिन मारुति सावंत, इंदिरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पुणे के स्मृति में प्रायोजित की है। आनंद ऋतु आपके इस रूहानी मित्रता के जज्बे का सम्मान करता है और आपके मित्र के आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है, तथा आपने आनंद ऋतु की यह कहानी अपने मित्र की स्मृति में प्रायोजित करके मित्रता के साथ साथ साहित्य के प्रति भी अपनी जो प्रतिबद्धता दिखाई उसके लिए आपका आभार प्रकट करता है। आपकी ये सोच भविष्य में निस्संदेह और भी लोगों के लिए सामाजिक कार्य में अपना सहयोग देने के लिए नई प्रेरणा बनेगी। चलिए तो फिर सुनते हैं सादत हसन मंटो की कहानी खोल दो। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, कई जख्मी हुए और कई इधर उधर भटक गए। सुबह के 10 बजे थे। कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों का एक उमड़ता समुद्र देखा तो उसके सोचने और समझने की शक्तियां और भी बुरी हो गई। वह देर तक गंदले आसमान को टकटकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में बहुत शोर मचा था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान तो जैसे बंद थे, उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। कोई उसे देखता तो यह ख्याल करता कि वह किसी गहरी नींद में गर्क है, मगर ऐसा नहीं था। उसके होशो हवास गायब थे, उसका सारा अस्तित्व शून्य में लटका हुआ था। गंदले आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराई। तेज रोशनी उसके अस्तित्व की रग रग में उतर गई और वह जाग उठा। ऊपर तले उसके दिमाग में कई तस्वीरें दौड़ गई। लू, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह उसने चारों तरफ फैले इंसानों के समुद्र को खंगालना शुरू कर दिया। पूरे 3 घंटे वह सकीना सकीना पुकारता कैंप की खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान इकलौती बेटी का कोई पता न मिला। चारों तरफ एक धांधली सी मची थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई मां, कोई बीवी, कोई अपनी बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और मस्तिष्क पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहां अलग हुई। लेकिन सोचते सोचते उसका दिमाग
सकीना की मां की लाश पर जम जाता, जिसकी सारी अंतड़िया बाहर निकली हुई थी। उससे आगे वो और कुछ सोच न सका। सकीना की मां मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था, लेकिन सकीना कहां थी, जिसके बारे में मां ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ दो और सकीना को लेकर जल्दी से यहां से भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही थी। दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था। उसे उठाने के लिए उसने रुकना चाहा था। सकीना ने चिल्ला कर कहा था, अब्बा जी छोड़िए उसे। लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था। यह सोचते सोचते उसने अपने कोट की उबड़ी हुई जेब की तरफ देखा और उसमें हाथ डालकर एक कपड़ा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा था। लेकिन सकीना कहां थी? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन तक ले आया था? क्या वो उसके साथ गाड़ी में सवार थी? रास्ते में जब गाड़ी रोकी गई थी और बलवाई अंदर घुस आए थे, तो क्या वो बेहोश हो गया था जो वे सकीना को उठाकर ले गए? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई नहीं था। उसको हमदर्दी की जरूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फंसे हुए थे, सबको हमदर्दी की जरूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, मगर उसके आंखों ने उसकी मदद न की। आंसू न जाने कहां गायब हो गए थे। छह रोज बाद जब होश व हवास किसी कदर दुरुस्त हुए, तो सिराजुद्दीन उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने को तैयार थे। 8-9 जवान थे, जिनके पास लाठियां थी, बंदूकें थी। सिराजुद्दीन ने उनको लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग है, बहुत खूबसूरत है, मुझ पर नहीं अपनी माँ पर थी। उम्र 17 वर्ष के करीब है, आंखें बड़ी बड़ी, बाल स्याह, दाहिने गाल पर मोटा सा तीर। मेरी इकलौती लड़की है, ढूंढ लाओ, खुदा तुम्हारा भला करेगा, भला करेगा। रजाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो चंद दिनों में ही उसके पास होगी। आठों नौजवानों ने कोशिश की। जान हथेली पर रखकर वे अमृतसर गए। कई मर्दों और कई बच्चों को निकाल निकाल कर उन्होंने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। 10 रोज गुजर गए, मगर उन्हें सकीना न मिली। एक रोज इसी सेवा के लिए लारी पर अमृतसर जा रहे थे कि चरारा के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लारी की आवाज सुनकर वो भिदकी और भागना शुरू कर दिया। रजाकारों ने मोटर रोकी और सब के सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। देखा तो बहुत खूबसूरत थी, दाहिने गाल पर मोटा तिल था। एक लड़के ने उससे कहा, घबराओ नहीं,
क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और भी जर्द हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब तमाम लड़कों ने उसे दम दिलासा दिया तो उसकी दहशत दूर हुई और उसने मान लिया कि वो सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है। 8 रजाकार नौजवानों ने हर तरह से सकीना की दिलजोई की। उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया और लारी में बिठा दिया। एक ने अपना कोट उतार कर उसे दे दिया, क्योंकि दुपट्टा न होने के कारण वो बहुत उलझन महसूस कर रही थी और बार बार बाहों से अपने सीने को ढकने की कोशिश में लगी हुई थी। कई दिन गुजर गए, सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर न मिली। वह दिन भर विभिन्न कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहता, लेकिन कहीं भी उसकी बेटी का पता न चला। रात को वो बहुत देर तक उन रजाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआ मांगता रहता, जिन्होंने उसे यकीन दिलाया था कि अगर सकीना जिंदा हुई तो चंद दिनों में ही उसे ढूंढ निकालेंगे। एक रोज सिराजुद्दीन ने कैंप में उन नौजवान रजाकारों को देखा, लारी में बैठे थे। सिराजुद्दीन भागा भागा उनके पास गया। लारी चलने ही वाली थी कि उसने पूछा, बेटा मेरी सकीना का पता चला? सब ने एक जवाब होकर कहा, चल जाएगा, और लारी चला थी। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर उन नौजवानों की कामयाबी की दुआ मांगी और उसका जी किसी कदर हल्का हो गया। शाम को करीब कैंप में जहां पे सिराजुद्दीन बैठा था उसके पास ही कुछ गड़बड़ सी हुई। 4 आदमी कुछ उठाकर ला रहे थे। उसने मालूम किया तो पता चला कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसे उठाकर लाए, सिराजुद्दीन उनके पीछे हो लिया। लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के सुपुर्द किया और चले गए। कुछ देर वह ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकड़ी के खंभे के साथ लगकर खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। कमरे में कोई नहीं था, एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी थी। सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा। कमरे में अचानक से रोशनी हुई। सिराजुद्दीन ने लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चिल्लाया, सकीना, सकीना! डॉक्टर जिसने कमरे में रोशनी की थी सिराजुद्दीन से पूछा, क्या है? सिराजुद्दीन के हलक से सिर्फ इस किधर निकल सका, जी मैं इसका बाप हूं। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की नब्ज टटोली और सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। सकीना के मुद्रा और जिस्म में चुंबिश हुई। बेजान हाथों से उसने इजार बंद खोला और सलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। दोस्तों ये थी सआदत हसन मंटो की कहानी खोल दो। आप ऐसी ही ढेर सारी सुनहरी कहानियाँ आनंद ऋतु के तिलिस्म से सुनते रहिए और महसूस करिए जिंदगी को एक अलग नज़रिए से। आप आनंद ऋतु द्वारा रिकॉर्ड की गई सभी कहानियाँ आनंद ऋतु वेबसाइट पे सुन सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं
अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। अगर आप आनंद ऋतु वेबसाइट के सभासद हैं तो ये कहानियाँ अपने ईमेल पे भी पा सकते हैं। तो ये सुनहरी कहानियाँ सुनते और सुनाते जाइए, जिंदगी में एक नई महफिल जमाते जाइए। फिर मिलेंगे अगले रविवार सुबह 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, प्रणाम।